सबसे पहले हम बॉईल करेंगे चावलों को। चावल हमने आधा घंटा पहले ही भिगो दिए थे। भीगे हुए चावलों को उबलते हुए पानी में डाल देंगे। इसके लिए हमें चावलों को ज़्यादा बॉयल नहीं करना, हाफ बॉयल से थोड़े से ज़्यादा हों तो तब निकाल लेते हैं इनको। उसके बाद इनको थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये ठंडा होने के लिए हमने फैला दिए हैं, क्योंकि अगर गरम चावलों को बाद में शीरे में डालें तो ये पानी छोड़ देते हैं, इसलिए इनको पहले ठंडा करेंगे। अब हम चीनी लेंगे शीरा बनाने के लिए। जो शीरा होता है वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाते होते, पानी हसबे ज़रूरत डालेंगे। बाद में देसी घी या कुकिंग ऑयल जो भी आप ऐड करना चाहें वो डालेंगे और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। इसके बाद अच्छी तरह से इनको शीरे में डाल के मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इनके ऊपर हम डालेंगे फूड कलर। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं जो सा कलर आप इस्तेमाल करना चाहें। मैंने रेड, ग्रीन और ऑरेंज कलर लिया है, ज़रदा रंग। अब इनको दम पे रख देंगे।